अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान कौन कौन सी खसूसियात हैं जो मिलती हैं, सेम हैं, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इसको आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट सिमिलैरिटी को हम स्टडी करते हैं कि जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के मेम्बर्स हैं ना, उनमें ट्रू न्यूक्लियस की कमी होती है। दोनों ही मेंबर्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की सिमिलैरिटी ये है कि उनके दरमियान उन दोनों में ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो लैक होता है, उसकी कमी होती है। सेकेंडली इसमें क्या सिमिलैरिटी है कि जो सेल वॉल होता है ना बैक्टीरिया ऑफ बोथ द ग्रुप, मीन्स के बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो म्यूकोपेप्टाइड उनमें प्रेजेंट होता है। इन द सेल वॉल ऑफ मेम्बर्स ऑफ बोथ द ग्रुप म्यूकोपेप्टाइड इज प्रेजेंट, मीन्स के बैक्टीरिया ऑफ बोथ मेम्बर्स मीन्स बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के का जो सेल वॉल है ना उनमें म्यूकोपेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट होता है दोनों में ही। और जो थर्ड जो हमारी सिमिलैरिटी है वो ये है कि जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है बोथ द ग्रुप में क्या होता है, कमी होती है उनके बोथ मेम्बर्स में कमी होती है क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्गी बॉडी की और वगैरह, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ बोथ द ग्रुप लैक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ईटीसी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में इनकी क्या सिमिलैरिटी है कि जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है दोनों ही कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है एज हिस्टोन फ्री डीएनए। ये इनमें सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो है वो हिस्टोन फ्री डीएनए कंटेन करते हैं। देन फिफ्थ जो इनमें सिमिलैरिटी है वो ये है कि द मेंबर्स ऑफ बोथ द ग्रुप लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस के दोनों ही ग्रुप में मींस बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमी होती है, बहुत कम इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक सिमिलैरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसमें हमने इनकी सिमिलैरिटीज को स्टडी किया है। 5 सिमिलैरिटीज़ को मैंने स्टडी किया है। आई होप सो आपको मेरी समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।